मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं से चुनाव को चुनौती देती हूँ। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं, एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो आतंकवाद की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये न जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। और जो आतंकवाद की समस्या है जिसके बारे में ये बार बार बोल रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है जिसके हल के लिए सब लोग काम करते हैं, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में आकर ऐसी बातें उठाने का क्या मतलब है। कर्नाटक में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने, आपके सामने बोल नहीं सकते क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आपके जो मुद्दे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे अन्य पार्टी के हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जागरूक बने और आप उनसे जवाब मांगे। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, जब हम ऐसा कहते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है, आपके जीवन पर कैसे इसका असर पड़ता होगा? देखो, सबसे पहले जब सरकार का मकसद लूटना होता है या लालच होता है तो काम कम करती है। आपको मालूम है, अगर एक नौजवान काम कर रहा है, उसकी अच्छी नौकरी है, लेकिन कहीं से उसको आदत पड़ जाती है चोरी करने की, और चोरी से बहुत पैसा अचानक उसका बन जाता है, तो नौकरी से उसका ध्यान हटने लगता है। उसको लगता है कि चोरी से आसानी से इतना सारा पैसा बन रहा है तो चोरी ही कर लेता हूं। तो सरकारें भी ऐसे ही हैं। जब सरकार में मंत्री और पदाधिकारी जो है उनको लगता है कि लूट और लालच से बहुत पैसे बन जाएंगे, बहुत शोहरत हो जाएगी, बहुत सत्ता मिल जाएगी, तो वो उसी चीज पे ध्यान रखते हैं। और जो उनका असली काम है, जनता के लिए काम करना, आप सबके लिए विकास करना, वो कम करते। तो मेरी बहनों, जब दिन रात आप मेहनत करती हैं और समाज का बोझ उठाती हैं, घर से निकलकर कहीं जॉब करती हैं, वापस आती हैं शाम को, अपने घर का काम भी करती हैं, जब आप दुकान जाती हैं और इस महंगाई की वजह से आप कुछ खरीद नहीं पाती हैं, जब गैस सिलेंडर 1100 रुपए का मिलता है, या सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं, तेल महंगी है, दाल महंगी है, आटा महंगा है, तो आपको लगता होगा कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूं। लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ती हैं, मन बनाती हैं, अपने संघर्ष के लिए खूब मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता होगा कि ये सरकार जिसका काम है कि महंगाई घटाए, जिसका काम है कि अगर महंगाई दूसरी परिस्थितियों की वजह से बढ़ रही है तो कम से कम कुछ करके हमें मदद करके, हमारी सहायता करके, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो इस तरह से कैसे आगे बढ़ेंगे आप? आपको अपने भविष्य के लिए बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये हम लोगों के भविष्य की बात नहीं है, नेताओं की, पार्टियों की, सरकारों की, आपके भविष्य की बात है, आपके बच्चों के भविष्य की बात है। कांग्रेस की सरकार ने अन्न भाग्य दिया आपको, क्षीर भाग्य दिया, पशु भाग्य दिया जानवरों के लिए, कृषि भाग्य दिया किसानों के लिए, आरोग्य भाग्य दिया आपके स्वास्थ्य के लिए, विद्याश्री दी आपकी शिक्षा के लिए, और इंदिरा कैंटीन आपके खाने के लिए दी, और आज भी आपके सामने 100% विकास की गारंटी लेके हम आ रहे हैं। ये जो 2.5 लाख सरकारी पद हैं जो खाली पड़े हैं, इनको हम भरेंगे। गृह लक्ष्मी के की एक योजना बनेगी जिससे मेरी बहनों आप सबको 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे ताकि आप महंगाई का सामना कर पाएं।
गृह ज्योति योजना लाएंगे जिससे 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी। नौजवानों के लिए युवा निधि बनाई जाएगी, जिसके पास ग्रेजुएशन है, सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट हो चुका है लेकिन नौकरी नहीं है, उसको 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। जिसके पास डिप्लोमा है उसको 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। नंदिनी को मजबूत किया जाएगा। मेरी आंगनवाड़ी की बहने, आपकी जो मानदेय है वो 15,000 रुपए बनाई जाएगी। मिनी आंगनवाड़ी की 10,000 बनेगी। चिक्का चिक्का आंगनवाड़ी और 10,000 रुपए संबळವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। आशा बहुओं के लिए 8,000 रुपए, आशा कार्यकर्ता 8,000 संबळ, और रिटायरमेंट पर आंगनवाड़ियों के लिए 3,00,000 रुपए, और जो मिनी आंगनवाड़ी की है उनके लिए 2,00,000 रुपए मिलेंगे। रिटायरमेंट ಆದಾಗ आंगनवाड़ी ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 3,00,000 ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 2,00,000 ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ। अगर इन सब स्कीमों को जोड़ा जाए तो लगभग 8,500 रुपए प्रति माह हर परिवार का फायदा होगा। यदि ಎಲ್ಲಾ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮನೆಗೆ 8,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ। ಬಹನೋ ಅವರ ಭಾಯಿಯೋ, इस सरकार ने कर्नाटक से 1,50,000 करोड़ रुपए लूटे। कांग्रेस पार्टी 1,50,000 करोड़ रुपए कृषि के आधुनिकरण में डालेगी। ये येन 1,50,000 कोटी लूटी मारी दर ला, अदे दुड्डना मत्ते कांग्रेस पक्ष निम्गड़गे निम्गोस्करा खर्च मारता रहे। सब्सिडी लोन और किसान की बीमा के लिए खर्च करेगी। ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲೋನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ। ಭೂಮಿಹೀನ ಮಜ್ದೂರ್ ಔರ್ ಬಟಾಯಿದಾರ್ ಕಿಸಾನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಾಗಿಲಾ ತುಡ್ಡಿತಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನಾಯೆಂಗೆ, ಇಸ್ಮೆ 500 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲೆಂಗೆ। ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ 500 ಕರೋಡ್ 500 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ। ಮೇಕೆದಾತು, ಮಹಾದಾಯಿ, ಅಪರ ಕೃಷ್ಣ, ಅಪರ ಭದ್ರ, ಯಟ್ನಾಹೋಲ್, ವಾರಾಹಿ ಜೈಸಿ ರುಕಿ ಸಿಚಾಯಿ ಯೋಜನಾಓ ಕೋ ಹಮ್ ಶುರು ಕರೆಂಗೆ ಫಿರ್ ಸೆ ಔರ್ ಇಸ್ಮೆ 1,50,000 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲಾ ಜಾಯೆಗಾ। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಹದಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಕೆದಾಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಕಿಸಾನೋ ಕೋ 1 ಲೀಟರ್ ದೂಧ ಕೆ ಲಿಯೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಕಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದಿ ಜಾಯೆಗಿ। ರೈತರಿಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಔರ್ ಸಭಿ ದೂಧ ಉತ್ಪಾದಕೋ ಕೆ ಲಿಯೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ का क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಲು ಕರಿಯೋನಿಗೆ 50,000 ಸಾಲ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ। ಮಚುವಾರೋ ಕೆ ಲಿಯೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಲೌನ್ಸ್ ದಿ ಜಾಯೆಗಿ। ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 6,000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಔರ್ ಪಂಚಾಯತೋ ಕೋ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಲಗಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ 100% ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಿಲೇಗಾ। ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ 100% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಗರೀಬೋ ಔರ್ ಅಸ್ಥಾಯಿ ಮಜ್ದೂರೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಸ್ಥಾಯಿ ಕರ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೋರ್ಡ್ ಬನೇಗಾ ಜಿಸ್ಮೆ 3,000 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲೇ ಜಾಯೆಂಗೆ। ಬಡವರು ಮತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ 3,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕರ್ಮಿ, घरेलू कर्मी और अन्य मजदूरों के लिए न्यूनतम प्रति घंटा मजदूरी फिक्स की जाएगी। ಜೊಮಾಟೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಬೀದರ್ ಸೆ ಚಾಮರಾಜ್ ನಗರ್ ತಕ್ एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, इसमें टाउनशिप बनाए जाएंगे। ಬೀದರ್ ಇಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ವರೆಗೆ ಒಂದು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಛೋಟೆ ಉದ್ಯೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ
1,000 crore का वेलफेयर फंड मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले सालों में आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं और कितनी दिक्कतें आई हैं नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद। इसीलिए आपको फिर से मजबूत बनाने के लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿದವೆ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪಣವನ್ನ ಇಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ। कांग्रेस ने ये योजना बनाई है कि गारमेंट और टेक्सटाइल, लाइट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट के लिए नए उद्योग लगाए जाएंगे। ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅನುದಾನವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। और प्रत्येक विधानसभाओं में 10 crore के स्टार्टअप फंड दिए जाएंगे। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಮಂಗಳೂರು ಮೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರ್ ಟೂರಿಸಂ ಕೆ ಲಿಯೆ ದುಬೈ ಜೈಸಾ ಏಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬನಾಯಾ ಜಾಯೆಗಾ। ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದುಬೈ ತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಔರ್ ಜೈಸೆ ಆಜ್ ಐಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಜಬೂತ್ ಹೈ, उसी तरह जो आपकी टू टियर की शहरें हैं, मैसूरू, हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, उडुपी, शिवमोगा, इन सबको बेंगलुरु जैसे आईटी सेक्टर में मजबूत बनाने की पूरी कोशिश होगी। ಇವತ್ತೇನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಐಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಮೈಸೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮಂಡ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ತರ ಐಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। हमारा सपना है कि कर्नाटका को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में सबसे आगे बढ़ाएं। ನಮ್ಮ ಕನಸು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸು ಅದು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ। और ऐसे बहुत ऐसे हमारी योजनाएं हैं जिसके जरिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे खूब सारे रोजगार बने ताकि यहाँ का विकास ठीक ढंग से हो और आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य मजबूत बने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी। मेरे साथ एकबार कहिए जय कर्नाटका, जय कर्नाटका, जय कर्नाटका।